हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की क्लास में। और इस सीरीज़ में हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन साइकोलॉजिस्ट के बारे में, जिनका इंडियन साइकोलॉजी में काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, जिनमें से एक है हमारे डॉक्टर एनएन सेन गुप्ता। ओके, डॉक्टर एनएन सेन गुप्ता, जिनको हम फाउंडिंग फादर मानते हैं इंडियन साइकोलॉजी का, उनके बारे में आज स्टडी करेंगे। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और इनके बारे में जानते हैं। ओके, सो नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता, नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता जी, एनएन सेन गुप्ता जी, 1889 में इनका जन्म हुआ था कोलकाता में, यानी कि वेस्ट बंगाल में। ठीक है, और इनका जो टाइम पीरियड था 1889 से लेके 1944 तक था। ठीक है, 1889 टू 1944 इनका टाइम पीरियड रहा। और इन्होंने जो जो कंट्रीब्यूशन किए, क्या इनकी अचीवमेंट्स थी, इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो इनको माना जाता है फादर ऑफ इंडियन साइकोलॉजी। इनको क्या माना जाता है? फादर ऑफ इंडियन साइकोलॉजी। एजुकेशन की थी इन्होंने साइकोलॉजी में अपनी ब्रिटेन में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। 1915 में इन्होंने पीएचडी कंप्लीट की थी अपनी। 1915 में पीएचडी करने के बाद, और ये जो पीएचडी थी इन्होंने बड़े बड़े जो साइकोलॉजिस्ट थे, वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट, जैसे कि सर चार्ल्स पीरमैन साहब थे, सर सिरिल बर्ड थे, देन हुगो मंस्टरबर्ग थे, इनके अंडर इन्होंने ट्रेनिंग ली। और साथ में ये वोन्स मेथड एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के जो थे, इनमें इन्होंने ट्रेनिंग ली थी। काफ़ी बड़ा एक्सपर्टाइज था इनका वोन्स मेथड में, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में। और इसी की वजह से इनको जाना जाता है इंडिया का वोन्स विलहेम वोन्ट। क्या माना जाता है इनको? इंडियन विलहेलम वोन। ये भी क्वेश्चन आता है कि इंडिया का विलहेलम वोन किनको माना जाता है, तो एनएन सेन गुप्ता साहब को इंडिया का विलहेलम वोन माना जाता है। ओके, नेक्स्ट इज इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सबसे पहले 1925 में, ओके 1925 में इन्होंने इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजी की स्थापना की थी। इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें कि जितने भी साइकोलॉजिस्ट होते थे वो अपने रिसर्च पेपर वगैरह, रिसर्च आर्टिकल वगैरह पब्लिश करवा सकते थे। ओके, और जो इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन थी, ठीक है, इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, उसके भी फाउंडिंग मेंबर रहे हैं एनएन सेन गुप्ता जी। उसमें भी उनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा। और 1924 में एसोसिएशन की एस्टेब्लिशमेंट हुई 1924 में। नेक्स्ट क्या था कि जब ये 1915 में पीएचडी करके हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से वापस कलकत्ता में आए, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, यहाँ पर कलकत्ता यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया एज ए प्रोफेसर ज्वाइन किया। और वहाँ पर फर्स्ट साइकोलॉजी डिपार्टमेंट बनाया 1916 में, और पहली साइकोलॉजी की लेबोरेटरी बनाई वहाँ पर 1915 में। ओके, जहाँ पर वो मेन फोकस उनका एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी पे होता था। मेन फोकस किस पे होता था? एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी पे। वहाँ पर किस टाइप के एक्सपेरिमेंट किए जाते थे? ज़्यादातर मेमोरी से रिलेटेड, परसेप्शन से रिलेटेड, मोटिवेशन से एंड पर्सनैलिटी से रिलेटेड उनके एक्सपेरिमेंट रहते थे। मोस्टली जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस था उन पे, तो ज़्यादातर इसी वजह से वहीं डेप्थ परसेप्शन पे और साइकोफिजिक्स पे, ठीक है, मेमोरी पे एक्सपेरिमेंट वगैरह करते रहते थे। काफ़ी रिसर्च उन्होंने इस फील्ड में किया वहाँ पर। ओके, इसी वजह से इनको हम बोलते हैं कि इनका काफ़ी क्रिटिकल रोल रहा साइकोलॉजी को एज ए डिसिप्लिन,
एज ए सेपरेट डिसिप्लिन एस्टेब्लिश करने में इंडिया में इनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा, ठीक है। अदरवाइज़ हम जो है हम फिलोसफी में ही रह जाते, तो फिलोसफी से सेपरेट करके एज ए साइंस एज ए डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन बनाने में साइकोलॉजी को NN सेन गुप्ता साहब की काफ़ी बड़ी मदद रही, काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। ओके, इनिशियल लाइफ में शुरुआती दौर में इन पे काफ़ी इन्फ्लुएंस था वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट का, तो उन्हीं की कॉपी करते इंडिया में भी साइकोलॉजिस्ट, बट बाद में इन्होंने इंडियन फिलोसफी को और स्पिरिचुअलिटी को उन्होंने कंबाइन किया, साइकोलॉजी के साथ इंटीग्रेट किया। ओके, तो ये पहले शख्स थे जिन्होंने इंडियन फिलोसफी और इंडियन स्पिरिचुअलिटी को मिला के और फिर साइकोलॉजी के साथ मर्ज किया इसको। ओके, इनका क्या कहना था, इनका कहना था कि साइकोलॉजी शुड रिफ्लेक्ट द यूनिक कल्चरल कंटेक्स्ट ऑफ द पीपल स्टडीज। ओके, साइकोलॉजी शुड रिफ्लेक्ट द यूनिक कल्चर कंटेक्स्ट ऑफ द पीपल स्टडीज, मतलब कहने का मतलब जो हमारी इंडियन कल्चर है, हमारे जो इंडियन पीपल है, हमारे जो कस्टम्स हैं, हमारे जो एंशियंट हेरिटेज है, उसको भी हमें स्टडी करना है, तभी हम साइकोलॉजी को इंडियन अडेप्टेशन का वर्जन दे पाएंगे, या जिसको हम इंडाइजीनियस बोलते हैं वो कर पाएंगे, ठीक है। सो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो कल्चरली इंक्लूजिव अप्रोच थी इनकी, कैसी कल्चरली इंक्लूजिव अप्रोच को, या कह सकते हैं हम इंडाइजिनस पर्सपेक्टिव इन साइकोलॉजी को लेके आएंगे, और इन्हीं का योगदान था कि आज काफ़ी बड़ा रोल प्ले हो रहा है, काफ़ी सारी रिसर्च हो रही है हमारी साइकोलॉजी को इंडाइजिनस बनाने में। ओके, इंडाइजिनस साइकोलॉजी बनाने में काफ़ी बड़ा काम चल रहा है, और NN सेन गुप्ता साहब का इस फील्ड में काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। इन्होंने मेमोरी और परसेप्शन पे काफ़ी रिसर्च की, और उनका मेन फोकस था कि मेमोरी और परसेप्शन में क्या रिलेशनशिप्स है और कैसे वे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इसके अलावा मोटिवेशन और पर्सनैलिटी पे भी रिसर्च है, वो हम आगे देखेंगे अभी। सो पहली जो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की लैब थी, ओके, साइकोलॉजी की लैब थी कलकत्ता में बनाई गई थी 1915 में, और पहला जो साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट था 1916 में बनाया गया कलकत्ता यूनिवर्सिटी में ही, और यहीं से जो हमारी एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की शुरुआत होती है इंडिया में, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की शुरुआत होती है। इनिशियली जिस लैब का फोकस था वो वेस्टर्न बिलीफ के ऊपर था, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, और ज़्यादातर डेप्थ परसेप्शन पे, साइकोअनालिसिस या साइकोफिजिक्स एंड अटेंशन, इन सब टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करते थे। बाद में इन्होंने 1928 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया, और उसका जो वहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जाने माने साइकोलॉजिस्ट थे डॉक्टर जी एस बोस जो कि इनके ही स्टूडेंट थे, वहाँ पर लैब में काम करते थे, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करके 1928 में वहाँ से आ गए, और उन्होंने क्या किया, लखनऊ यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर लिया। कहाँ, लखनऊ यूनिवर्सिटी में आ गए थे, वहाँ पर एज ए प्रोफेसर वहाँ पर इन्होंने ज्वाइन कर लिया था 1928 में। ओके, 1928 में, देन 1929 में इन्होंने वहाँ पर भी लखनऊ यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी बनाया 1929 में वहाँ पर, और साथ साथ जब वहाँ पर काम कर रहे थे, वहाँ पर उनके कोलीग थे जो कि सोशियोलॉजिस्ट थे, राधा कमल मुखर्जी साहब सोशियोलॉजिस्ट थे, उनके साथ वहाँ पर काम करते थे, उनके साथ पहली बुक लिखी सोशल साइकोलॉजी पे, इंडिया में पहली बुक लिखी गई एज ए को ऑथर उन्होंने लिखी 1928 में, एज ए को ऑथर उन्होंने लिखी थी सोशल साइकोलॉजी की बुक, जिसका नाम था इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी
माइंड इन सोसाइटी, माइंड इन सोसाइटी। ओके, इसके अलावा इन्होंने और बुक्स भी लिखी हैं, जैसे कि इन्होंने पहली बुक लिखी थी हीराडिटी एंड हीराडिटी इन मेंटल ट्रेट्स, 1942 में ये बुक लिखी थी। ये ज़माना था जब मेंटल ट्रेट और हीराडिटी का काफ़ी रिसर्च चल रही थी वर्ल्ड में, कि हमारे जो मेंटल ट्रेट होते हैं, हमारे जो इंटेलिजेंस होता है, हमारी पर्सनैलिटी होती है, वो हीराडिटी से कैसे इफ़ेक्ट होती हैं या हीराडिटी का क्या रोल है उनमें। तो ये सब सेन गुप्ता साहब ने भी यहाँ इंडिया में भी रिसर्च की। इसके अलावा सेकंड बुक इन्होंने लिखी थी मेंटल ग्रोथ एंड डिके, मेंटल ग्रोथ एंड डिके, ये बेसिकली मेमोरी पे बुक थी इनकी, मेमोरी पे। ओके, 1940 में इन्होंने ये बुक पब्लिश की थी, 1940 में पब्लिश की थी। सो ये जो दोनों बुक थी, हीराडिटी इन मेंटल ट्रेट्स एंड मेंटल ग्रोथ एंड डिके 1940, ये दोनों ही बुक वेस्टर्न इन्फ्लुएंस पे काफ़ी, इन पे दोनों में, दोनों बुक्स पर वेस्टर्न इन्फ्लुएंस था। ठीक है, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस था इसमें, इंडिया, इंडियन साइकोलॉजी का कुछ ज़्यादा रोल नहीं था। सो अपने ज़िंदगी के अंतिम दिनों में उन्हें रियलाइज हुआ कि इंडियन साइकोलॉजी का, हमारा जो है इंडियन साइकोलॉजी या इंडियंस के लिए वेस्टर्न साइकोलॉजी से कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला है, हमारी खुद की साइकोलॉजी होनी चाहिए, इंडिया की खुद की साइकोलॉजी होनी चाहिए। तो इसी को मद्देनज़र रख के उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्टार्ट किया एक्सपेरिमेंटली इन्वेस्टिंग साधना। साधना को, साधना मीन्स क्या होता, हमारा स्पिरिचुअल परस्यूट टू अचीव गोल्स। ओके, हमारा स्पिरिचुअल परस्यूट टू अचीव गोल्स, कि हम एक ज़िंदगी में गोल्स अचीव करने हैं तो उसमें हमारी स्पिरिचुअलिटी का क्या रोल है, मीन्स साधना का क्या रोल है, उसको एक्सपेरिमेंटली इन्वेस्टिगेट किया। और साथ साथ, क्योंकि इनको जो संस्कृत और पाली की अच्छी खासी नॉलेज थी, इन्होंने क्या किया, एंशियंट हमारे रिलीजियस टेक्स्ट थे उनको पढ़ा, और साथ में क्रिश्चियन जो मिस्टिसिज्म है उसको पढ़ा, और इनको पढ़ने के बाद इन्होंने अपना मैग्नम ऑप्स मतलब इन्होंने एक बुक पब्लिश करनी चाहिए जिसका नाम था मैकेनिज्म ऑफ एक्सटेसी। ओके, लेकिन ये बुक होता क्या है, ये बुक पब्लिश नहीं हो पाई क्योंकि उनको स्ट्रोक आ गया और उनकी डेथ हो गई स्ट्रोक की वजह से। ठीक है, और जो इसकी मैन्युस्क्रिप्ट थी वो कहीं गुम हो गई, जिसकी वजह से ये बुक पब्लिश नहीं हो पाई। ओके, वन मोर पॉइंट, जो इन्होंने 1915 में जब पीएचडी कंप्लीट की थी अपनी एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, तो इन्होंने अपना जो डिसर्टेशन का टॉपिक था इनका, वो था एंटी इंटेलेक्चुअलिज्म स्टडी इन कंटेम्प्रेरी एपिस्टीमोलॉजी। ओके, एंटी इंटेलेक्चुअलिज्म स्टडी इन कंटेम्प्रेरी एपिस्टीमोलॉजी, ये इनकी वहाँ का डिसर्टेशन का टॉपिक था जिसके लिए इन्होंने डिफेंड किया था, और 1915 में इनको पीएचडी अवार्ड की गई थी। ओके, ओके, सो एनएन सेन गुप्ता साहब का काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा हमारी इंडियन साइकोलॉजी में। ओके, इसी वजह से इनको हम फादर ऑफ इंडियन साइकोलॉजी भी बोलते हैं। ठीक है, ओके, फादर ऑफ इंडियन साइकोलॉजी भी इनको बोला जाता है। और अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारी वीडियोस को आप लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। और बड़ी बात ऐसी है कि कहने तो नहीं चाहिए, बट यार कमाल की बात है कि ऑलमोस्ट हमारी वीडियोस को अगर 100% लोग देख रहे हैं, तो उनमें से 56% 55% ऐसे बंदे हैं जिन्होंने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है।
तो अगर आप लोग जो 55% जो लोग हमारी वीडियोस को देख रहे हैं लेकिन हमारे चैनल से जुड़ना नहीं चाह रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि क्या क्या इश्यूज हैं, या हमारा कंटेंट आपको पसंद नहीं आ रहा है, या हमारा टीचिंग स्टाइल पसंद नहीं आ रहा है। अगर ऐसा कुछ इशू है तो आप ज़रूर हमें फीडबैक दीजिए ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें, हमारे कंटेंट को इम्प्रूव कर सकें। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं एटीट्यूड साइकी पे, और अगर आपकी कोई क्यूरीज है तो ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है एटीट्यूड साइकी क्यूरीज। यहाँ पर आपको आपके साइकोलॉजी से रिलेटेड कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, हम उनका जवाब ज़रूर देंगे, चाहे वो MCQs हो आपके, चाहे PYQs हो, या कुछ और डाउट हो साइकोलॉजी के टॉपिक का, वी विल रिप्लाई। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, बी हैप्पी, बी सेफ।